नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं न्यू TVS जुपिटर 125 टॉप मॉडल के बारे में। और आज मैं इसका एक फुल डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू तो करने वाला ही हूँ, उसके साथ साथ एक छोटा सा राइड रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और आज इस वीडियो में मैं इसका ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलता है और इस स्कूटर से आपको कितना माइलेज मिल सकता है वो भी मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू यूनिवर्सल TVS कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहते हो तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सल TVS कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का वॉक अराउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो TVS जुपिटर 125 में आपको टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट देख पा रहे हो ये है टॉप मॉडल। तो इसमें आपको सामने में एलॉय विथ डिज मिलेगा। इसका जो एकदम बेस वेरिएंट है वो है आपका ड्रम विथ स्टील व्हील, और मिडिल का जो वेरिएंट है वो है ड्रम विथ एलॉय। और कलर वेरिएंट की अगर बात करें तो टोटल आपको 4 कलर वेरिएंट देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर कलर स्कीम आप देख पा रहे हो ये है इंडी ब्लू कलर। इसको छोड़ के और 3 कलर आता है, डॉन ऑरेंज, टाइटेनियम ग्रे और व्हाइट कलर। तो चारों कलर स्कीम का फोटो आपका स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही होगी। और इस स्कूटर का अगर प्राइस की बात करें तो एकदम इसका जो बेस मॉडल है उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1,03,000 से 1,04,000 के बीच में आपको जुपिटर 125 बेस मॉडल का प्राइस देखने को मिलेगा। और ये जो टॉप वेरिएंट आप देख पा रहे हो एलॉय विथ डिस, इसका प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 1,12,000 से 1,13,000 के बीच में आपको इसका प्राइस ऑन रोड कोलकाता में देखने को मिलेगा। चलिए अभी शुरू करते हैं इस स्कूटर का एक फुल डिटेल वॉक अराउंड। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूटर का चाबी से। तो चाबी यहाँ पे नॉर्मल की दी गई है, TVS के लोगो आपको चाबी के ऊपर दिख रहा होगा, TVS का ब्रांडिंग। इग्निशन को आप यहाँ पे जैसे ही ऑन करते हो फर्स्ट इसका LED DRL आपको यहाँ पे जलता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये आप देख पा रहे हो ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर के अंदर ही आपको यहाँ पे LED DRL दी गई है। और इंडिकेटर जो है आपको यहाँ पे बल्ब में मिलता है जो देखने में भी एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मेन हेडलाइट की अगर बात करें उसको एक बार आपको स्टार्ट करना पड़ेगा तभी इसका मेन हेडलाइट ऑन होगा। तो ये आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर LED हेडलाइट सेटअप यहाँ पे दी गई। इसका जो मेन हेडलाइट है LED टेक का ब्रांडिंग भी आपको सामने में यहाँ पे दिख रहा होगा। और इसका हाई बीम भी एक बार ऑन करके दिखा रहा हूँ। तो सामने से जुपिटर 125 का जो लुक है ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही प्रीमियम से एक स्कूटर TVS ने इसको बनाया है। बाकी क्रोम आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा सामने में, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्रोम देखने को मिलेगा, ये नीचे आपको थोड़ा बहुत क्रोम देखने को मिलेगा, ऊपर में एक ब्लैक कलर में प्रॉपर मीटर सील दी गई है। और मैक्सिमम पार्ट जो है इसमें मेटल का यूज़ करा गया है, जैसे ये जो ऊपर का पार्ट आप देख पा रहे हो ये फाइबर का है, लेकिन ये जो साइड पार्ट देख पा रहे हो ये आपका फाइबर का मिलता है ये नीचे वाला पोर्शन, लेकिन ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो ये जो साइड पार्ट आप देख पा रहे हो ये मेटल का है। 108 kg इस स्कूटर का वेट है। TVS का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 3D लोगो यहाँ पे दी गई है और नंबर प्लेट सामने यहाँ पे आपका स्कूटर का नंबर प्लेट फिट होगा। बल्ब इंडिकेटर दी गई है ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये जो मडगार्ड है ये भी आपको यहाँ पे मेटल का ही मडगार्ड देखने को मिलता है। सामने में आपको 220mm का डिस्क मिलता है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ। और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रिफ्लेक्टर आपको दोनों साइड पे दी गई है। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो TVS का ही टायर है, यहाँ पे 90x90 12 मिलता है। हाँ, 90x90 12 का एलॉय व्हील के साथ आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलता है। और ये नॉर्मल एलॉय व्हील नहीं है, ये डायमंड टाइप एलॉय व्हील है। तो इसका जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन एलॉय व्हील में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। TVS इंटेलिगो यहाँ पे यूज़ करा गया है, बेसिकली ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर्स उसके साथ साथ यहाँ पे आपको आई टच सेल्फ भी मिलता है। तो सेल्फ के टाइम पे आपको कोई भी साउंड सुनने को नहीं मिलेगा, बेसिकली साइलेंट सेल्फ मोटर यहाँ पे यूज़ करा गया है। सामने में आपको 2 लीटर का ग्लव बॉक्स भी मिलता है, तो ये भी आप देख सकते हो 2 लीटर का स्पेस दी गई है। USB चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इधर आपको एक हुक मिल जाता है सामने में, नीचे में भी आपको एक हुक देखने को मिल जाएगा, इधर भी एक हुक दी गई है। और फ्यूल भरने का जो जगह है, फ्यूल जो है आपका सामने यहाँ से भरा जाएगा। और इसका जो फ्यूल टैंक है बेसिकली ये जो फूड रेस देख पा रहे हो ये जो फूड फ्लोर है इसके नीचे है इसका फ्यूल टैंक। तो 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। माइलेज की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 45 से 50 KMPL का माइलेज इस स्कूटर से डेफिनेटली मिलने वाला है। बाकी लेग रूम की अगर बात करें तो काफ़ी स्पेसियस है, हैंडल बार से मेरा जो लेग का स्पेस है वो आप यहाँ से देख सकते हो, बहुत ही स्पेसियस है। इनफैक्ट ये जो सीट है AB सेगमेंट में काफ़ी लंबा सीट यहाँ पे यूज़ करा गया है, 790mm के आसपास इसका सीट का लेंथ है। और सीट डेफिनेटली बहुत ही कुशनी है, कंफर्टेबल है, राइडर और पिलियन जो है बहुत ही कंफर्टेबली इस स्कूटर में राइड कर सकते हैं। एक बार सीट को ओपन करते अंदर का जो बूट स्पेस है ना AB सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल टैंक नहीं है तो यहाँ पे पूरा बूट स्पेस मिल जाता है।
33 लीटर का यहाँ पे आपको बूट स्पेस दी गई है जो मैसिव है। और यहाँ पे दो हेलमेट आराम से आ जाएगा, दो हाफ हेलमेट एक्चुअली आएगा, बाकी आपके पास अगर एक बड़ा साइज फुल हेलमेट है तो यहाँ पे एक ही आएगा और पीछे में आपका एक छोटा हाफ आएगा। तो यहाँ पे स्पेस जो है काफ़ी तगड़ा सा मिल जाता है। और अलग से यहाँ पे लाइट आई गेस वो एक्सेसरीज के दौरान आपको बूट लाइट लगवाना पड़ता है, तो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। और इधर जो ग्रैबरेल देख पा रहा हूँ ये भी आपको बॉडी कलर में ग्रैबरेल मिलता है। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी दी गई है। जुपिटर 125 का 3D एम्ब्लेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी आते हैं इंजन की तरफ। तो इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको 125cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल B6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दी गई है जो लगभग 8.15 PS का मैक्स पावर जनरेट करता है और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इस इंजन से। और किक स्टार्ट तो मिलेगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट भी मिलेगा। और एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, रियर जो शॉक एब्जॉर्बर देख पा रहे हो ये आपका वही गैस चार्ज सिंगल साइड शॉक एब्जॉर्बर दी गई है। मोनोट्यूब बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर दी गई है जो 3-स्टेप एडजस्टेबल है। नॉर्मली ये शॉक एब्जॉर्बर आपको बाइक में देखने को मिलता है, बाकी राइड करते हुए मैं बताऊंगा इस शॉक एब्जॉर्बर के कारण इसका राइडिंग कंफर्ट कितना इंप्रूव हुआ है। पीछे में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। और रियर टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 90x90 आपको 12 इंचेस का अलॉय व्हील रियर में देखने को मिलता है। साइज 10 यहाँ पे डेफिनेटली मिलता है, साइज 10 विथ साइज 10 इंजिन कट ऑफ सेंसर विथ साइज 10 इंडिकेटर वो भी आपको मिलेगा। देखिए जब तक साइज 10 गिरा है तब तक आपको ऐसा बीप एक सुनने को मिलेगा जो अभी आपको सुनने को मिल रहा है। मैं अगर साइज 10 हटा देता हूँ तो ये बीप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, मैं अगर गिरा देता हूँ तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मिडिल स्टैंड भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस स्कूटर का अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 163 mm स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस है और 108 kg इसका वेट है। 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। रियर जो प्रोफाइल है यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत रोम देखने को मिलेगा। और इसका जो टेल लाइट है ये देखने में काफ़ी सही लगता है। यहाँ पे काइंड ऑफ आपको एक LED सा डिज़ाइन दी गई है और अंदर का जो लाइट है वो आपको बेसिकली बल्ब में मिलता है, बाकी बल्ब इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नंबर प्लेट का जो लाइट है वो भी आपको यहाँ पे बल्ब में मिलता है। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एग्जॉस्ट में कोई भी बदलाव नहीं है। एग्जॉस्ट जो है वो आपको जुपिटर 110 में जैसा एग्जॉस्ट मिलता था वैसा ही एग्जॉस्ट यहाँ पे दी गई है। और बाकी चलिए एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। और ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो इसमें आपको काफ़ी सारा फीचर्स मिल जाएगा, लाइक ओडो अभी यहाँ पे शो कर रहा है। ट्रिप ए मिलता है, ट्रिप बी मिलता है, उसके बाद ट्रिप ए एंड इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और डिस्टेंस टू एम्प्टी। सो बहुत ही तगड़ा सा फीचर्स इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलता है आपको। इधर आपका फ्यूल गेज भी शो कर रहा है। और टेल लाइट्स की अगर बात करें तो ऊपर में आपको मिलता है इंजन माल फंक्शन, कोई भी एरर रहेगा तो शो करेगा। यह है आपका TVS इंटेलिगो का ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर्स, हाई बीम का सिग्नल, रिजर्व लाइट, इको एंड पावर, जब आप इकोनॉमिकली चलाओगे तो इको लाइट जलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और मोड एंड सेट बटन यहाँ पे दी गई, इंडिकेटर का सिग्नल आपको दोनों का नीचे में देखने को मिल जाएगा, इधर है और एक है आपका इधर। और यहाँ पे साइज 10 अगर गिरा रहता है तो यहाँ पे साइज 10 इंडिकेशन भी शो करता है। TVS का ये जो लोगो है ये आपको यहाँ पे काइंड ऑफ जलता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी इसको एक बार ऑफ करके और एक बार ऑन करते हैं तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक फुल्ली स्वाइप लेता है। यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिलता है, इधर है आपका साइलेंट सेल बटन, इधर है आपका हाई बीम लो बीम, इसी में आपको पास बटन मिल जाता है, इंडिकेटर का स्विच, और ये है आपका हॉर्न, और ये है आपका रियर ब्रेक लीवर। उसके साथ साथ आपको पार्किंग ब्रेक भी मिलता है, ठीक है। और ये है आपका फ्रंट ब्रेक लीवर। मिरर से भी आपको ठीक ठाक विजिबिलिटी मिल जाता है और मिरर के आउटसाइड पे भी आपको थोड़ा क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। बाकी चलिए इसको एक बार राइड करते हैं। राइड करते हुए बाकी चीज जो है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। ओके, तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ GoPro मोड पे और मेरे सामने है न्यू TVS जुपिटर 125 का टॉप मॉडल। देखिए अभी इसका साइज 10 गिरा हुआ है तो इसका बजर भी अभी ऑन है। बाकी इसका एक 360 लुक आपको मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। डायमंड कट अलॉय व्हील के वजह से इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया है। 360 नहीं, ये एक्चुअली 180 डिग्री लुक है। तो चलिए अभी इसको राइड करते हैं, साइज 10 हटाते हैं, एग्जॉस्ट नोट, वाह चलिए। अगर पावर की बात करें तो थोड़ा इसको भगा के देखते हैं। ऑलमोस्ट 70 पहुंच गया था। हाँ पावर ठीक ठाक है नो डाउट, लेकिन इसका जो पावर है मतलब बहुत ही स्लोली ऊपर जाता है।
इंटॉर्क में जैसे इंस्टेंट मिलता है वैसा इंस्टेंट आपको जुपिटर में नहीं मिलेगा। और ऑब्वियसली इंटॉर्क का इंजन की अगर बात करें तो इंजन इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, 8.15 पीएस का पावर जेनरेट करता है और इंटॉर्क अराउंड 10. समथिंग पीएस का पावर जेनरेट करता है। बट ठीक है, 125 सीसी वाइज पावर जो है अच्छा है। और इसमें ETFI टेक्नोलॉजी यूज़ करा गया है, बेसिकली इको थ्रस्ट FI सिस्टम TVS बेसिकली यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से इसका जो माइलेज है वो लगभग 15% इंक्रीज़ हुआ है। तो अराउंड इसका जो माइलेज है आराम से आपको 45 से 50 KMPL का जो माइलेज है जुपिटर 125 से मिल सकता है। बाकी तो आपका राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो बज़र आप देख पा रहे हो, मैं इंडिकेटर दिया, बज़र ऑन हो गया, ये सब आपको टॉप मॉडल में पूरा कंपनी फिटेड मिलेगा। इनिशियल की अगर बात करें तो इनिशियल ठीक है, मतलब एक 125 सीसी का स्कूटर वाइज ठीक ठाक पावर है, बढ़िया पावर है और वाइब्रेशन उतना ज़्यादा है नहीं, रिफाइन है, डेफिनेटली रिफाइन है और स्मूथ काफ़ी है, काफ़ी स्मूथ है। ये फुट फ्लोर की अगर बात करें तो नॉर्मल स्कूटर से इसका जो फुट फ्लोर है ये काफ़ी स्पेसियस है, मतलब मैं बहुत ही कंफर्टेबल, मेरा हाइट है 5'8" अराउंड 5'8" के आसपास मेरा हाइट है और मेरा पैर का पोस्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मतलब मैं बहुत ही कंफर्टेबल स्कूटर को राइड कर सकता हूँ। ग्लव बॉक्स भी आपको 2 लीटर के आसपास ग्लव बॉक्स मिल जाता है, तो आप फ़ोन रख, मतलब वहाँ पे रख के आराम से आप चार्ज कर सकते हो। देखिए अभी TVS इंटेलिगो जो है काम किया और स्कूटर को जो है ऑटोमेटिक बंद कर दिया, तो TVS इंटेलिगो का कैसा, मतलब ये कैसे काम करता है वो एक बार आपको यहाँ पे गाड़ी को रोक के दिखा रहा हूँ। अभी TVS इंटेलिगो ऑन है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर्स बेसिकली ये लगभग 4 to 5 सेकेंड के बाद जो है स्कूटर को ऑटोमेटिक बंद कर देगा। ये देखिए ऑलरेडी ये बंद हो चुका है और मैं अगर इसको सिर्फ एक्सलेटर दबाऊँ तो ये स्कूटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। तो यही है आपका TVS इंटेलिगो। और इसमें आपको साइलेंट सेल मोटर भी दी गई है, तो सेल्फ के टाइम पे बेसिकली कोई भी साउंड यहाँ पे नहीं होगा। और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बेसिकली आपको मैक्सिमम जो फीचर्स लाइक आपको डिस्टेंस टू MT, आपका इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पे इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी 57 ये दिखा रहा है, बाकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, डिस्टेंस टू MT है। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है फुली लोडेड है। और बाकी यहाँ पे एक आपको एनालॉग मीटर भी दी गई है जिसमें आपका स्पीडोमीटर बेसिकली शो करेगा। और वेट भी इसका लाइट वेट है, ओनली 108 kg स्कूटर का वेट है, तो डेफिनेटली कोई लेडीज़ वगैरह आराम से स्कूटर को राइड कर सकते हैं। और ब्रेकिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करूँगा, आप कहीं पर अगर ब्रेक दबाते हो तो आप दोनों ब्रेक को एक साथ दबाओ। देखिए मैं दोनों ब्रेक को एक साथ मैं दबा रहा हूँ और ये स्कूटर, कोई भी बाइक या फिर कोई भी स्कूटर जो है बहुत पहले रुक जाएगा आप अगर दोनों ब्रेक को एक साथ दबाते हो। बट आप अगर सिर्फ रियर ब्रेक दबाओगे या फिर सिर्फ आप अगर फ्रंट ब्रेक दबाओगे तभी दिक्कत है, तभी आपका स्कूटर या फिर बाइक जो है अगर नॉन ABS होगा तो स्कीट होने का चांसेस रहता है और मतलब रुकते भी बहुत लेट पे है। वैसे इसमें तो आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है, बेसिकली सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, आप अगर रियर ब्रेक अप्लाई करोगे फ्रंट ब्रेक ऑटोमेटिक इंगेज होगा, ये फीचर्स इसमें आपको मिलता ही है। और बाकी सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो फ्रंट सस्पेंशन थोड़ा मेरे को स्टीप लग रहा है, थोड़ा मेरे को लग रहा है, बट रियर सस्पेंशन जो है डेफिनेटली कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है, मोनोट्यूब शॉक एब्जॉर्बर दी गई और सीट भी बहुत ही कंफर्टेबल है, राइडिंग पोस्चर भी एकदम अपराइट पोस्चर है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। और बाकी आपका जो मिरर से जो व्यूइंग एंगल है वो भी सही है, इनफैक्ट आप इसका जो सीट है ये भी बहुत ही लंबा रखा गया, 790 mm के आसपास इसका मतलब सीट का लेंथ है, लंबाई है, तो डेफिनेटली आपका पिलियन भी बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से स्कूटर में राइड कर सकते हैं। और बस इस स्कूटर के बारे में उतना ज़्यादा मेरे को कुछ मतलब बोलना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है स्कूटर कैसा है। और साइज 10 यहाँ पे आप अगर गिरा देते हो, साइज 10 इंजन कट ऑफ सेंसर है तो ये बंद भी हो जाता है। बाकी इसका लाइटिंग थ्रो की अगर बात करें तो लाइटिंग थ्रो अभी तो दिन के टाइम है, उतना ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन तब भी इसका जो लाइटिंग थ्रो है काफ़ी कमाल का है, पूरा LED लाइट ही मिलता है यहाँ पे आपको, ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में वॉकअराउंड के थ्रू दिखा चुका हूँ। और बाकी टेल पोर्शन जो है वो भी देखने में काफ़ी सही है,
सो यहाँ से आप देख सकते हो टेल पोर्शन। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे। टाटा गाइस, जय हिंद, बाय गाइस, टाटा।